नमस्कार दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को पता है, हम काफ़ी पहले ऐसे व्लॉग बना चुके हैं और आगे बनाएंगे भी ऐसे ऐसे व्लॉग जो एक प्राचीन मंदिर से जुड़े होते हैं। और आज हम आए हैं उमरी गांव में, जो एक प्राचीन मंदिर है, वो शिव का मंदिर है। और आपको आज हम आए हैं गांव उमरी में, कुरुक्षेत्र में, और आज आपको दिखाते हैं यहाँ एक प्राचीन मंदिर है, शिव मंदिर, जो काफी वर्षों पुराना मंदिर है। और आपको ये आप देख सकते हो कुंड, तो इसमें जो भी नहाता है, जो भी जिसकी कामना होती है वो हर एक पूरी हो जाती है। जो भी बंदे को रोग लगा होता है वो सारे खत्म हो जाते हैं यहाँ पर, तो इसलिए ज़्यादा एक तो यहाँ पर ये प्रसिद्ध है। और दूसरी चीज़ दिखाते हैं आपको, जो जिस जिस गुरुजी ने यहाँ पर सेवा की, तो उन गुरुओं की ये समाधियाँ बनी हुई है। आप देख सकते हो ये समाधियाँ बनी हुई है जिस जिसने यहाँ पर सेवा की, क्योंकि काफ़ी वर्षों पुराना मंदिर है, काफ़ी आए भी हैं, गए भी हैं यहाँ से, और आप अंदर से भी देख सकते हो। ये पेड़ वही महाभारत के टाइम का पेड़ ये है, तो काफी पहले बड़ा था, बट अभी ये काट दिया पेड़। आपको दिखाते हैं यहाँ फिर एक राम मंदिर, ये अभी काम चल रहा है राम मंदिर का, आप देख सकते हो। और ये एक शिव मंदिर, आज आपको एक शख्स से मिलवाते हैं। हाँ जी मलिक साहब, कैसे हो? बढ़िया जी, आप सुनाओ। ये हमारे मलिक साहब गांव उमरी से हैं, और क्या बताना चाहते हो आप इस मंदिर के बारे में? बहुत ही प्राचीन मंदिर है, बस प्रसिद्ध है यहाँ उमरी में। हाँ जी, नमस्कार दोस्तों, ओम नमः शिवाय। जैसे कि आप लोगों को पता है, हम आज आए हैं उमरी गाँव में, जो शिव का मंदिर है। और आज आपको बताएंगे ये क्यों इतना मानता है इस मंदिर की, आपको बताएंगे गुरुजी। नमस्कार गुरुजी। नमस्कार जी। ये मंदिर क्यों इतना प्रसिद्ध है जी, क्यों इतना ही मानता है इसकी? ये देखो बहुत प्राचीन मंदिर है, और कहते हैं ये स्वयंभू है, जनेश्वर महादेव मंदिर है ये। हाँ जी, हाँ जी, बहुत पुराना मंदिर है। हाँ जी, और तो यहाँ ये कितना टाइम हो गया बनाए हुए? बना हुआ तो इसका किसी को पता नहीं है कब कब है। अच्छा, हाँ, ये दोबारा से ऊपर से बनाया गया है, पहले छोटे साइज में था। हाँ जी, हाँ, अब ये फिर 2002 में बनाया है, ये बिल्डिंग बड़ा कर दिया है, लेकिन शिवलिंग वही पुराना है। जैसे कि आप बता रहे थे वो शिवलिंग निकल जाता है, फिर अपने पे चल जाता है नीचे, उसके बारे में? ये शिवलिंग पुराना ही है, पहला ही शिवलिंग है। अच्छा जी, हाँ जी। और जैसे कि आप बता रहे थे यहाँ पर सुरंग है, नीचे सुरंगे बनाई हुई है, बैक साइड में पीछे, तो वो क्यों बनाई थी और किस वजह से बनाई थी? वो पहले पुरानी थी, किसी साधु ने वहाँ तपस्या करी थी, जो आदम्बर ऋषि थे। हाँ जी, उन्होंने तपस्या करी है वहाँ पे। ठीक है। और जैसे कि हमने बाहर देखा है, बाहर समाधियाँ बनी हुई है काफी, तो साधुओं की है जिन्होंने यहाँ पे सेवा करी है। हाँ जी, इस मंदिर में जिन्होंने सेवा करी है, जो यहाँ ब्रह्मलीन हुए हैं, उनकी समाधि है। ठीक है। और जैसे कि लोग बताते हैं भाई, यहाँ पर जो बाहर बनाया हुआ तालाब बनाया हुआ है, ये आदम्बर तीर्थ है। तीर्थ। हाँ जी, इसमें किसी भी प्रकार का चर्म रोग हो, उसके स्नान करने से तो वो चर्म रोग ठीक हो जाता है। तो ये अब खाली क्यों क्यों है? ये काम चल रहा है। ठीक है। हाँ, ग्राम पंचायत इसे काम करा रही है, इसका ठीक से जीर्णोद्वार करा रही है, मतलब साफ सफाई हो रही है। तो आप क्या समाचार देना चाहते हो इस मंदिर के बारे में लोगों को, हमारे व्यूअर को? तो समाचार यही देना चाहते हैं, हमारी इच्छा है कि ये किसी तरह विकास बोर्ड में आ जाए। हाँ जी, जिससे कि यहाँ का तीर्थ का थोड़ा सा और उद्धार हो जाए। ठीक है जी। हाँ, कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड में जाना चाहते हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो और क्या आपकी डिमांड है? डिमांड बस यही है, मैंने तो कि ये इसमें आ जाए। हाँ जी, KTV में के अंदर। हाँ जी, तो उससे थोड़ा सा यहाँ का विकास हो जाएगा। ठीक है जी। इस तीर्थ का ये समाधि दिखाते हैं दोस्तों आपको, कौन से गुरुजी की समाधि है? आदम्बर ऋषि की समाधि है। तो कितने वर्ष पुरानी समाधि है ये? करीब महाभारत समय की है, लेकिन ये अब दोबारा से निर्माण कराया गया।
यादम्बर ऋषि जी की समाधि है। अच्छे जी। ये और यही यहाँ पर तपस्या करते थे। अच्छा, यही तपस्या करते थे, इन्हीं के नाम पर ये गांव बसा हुआ है। ओके। हाँ, आदमपुरी गांव था ये पहले। हाँ, अब उमरी बन गया। तो ये महाभारत के टाइम की है। हाँ जी, आप देख सकते हो दोस्तों, ये समाधि महाभारत के टाइम की बनी हुई है। गुरु मड़िया वाला भी कह देते हैं। ठीक है जी, शॉर्टकट में बोल देते हैं। हाँ जी, नाम इनका आदमबर ऋषि है। आदमबर ऋषि। हाँ जी, आदमबर ऋषि गुरु जी की समाधि है। आपको दिखाते हैं मंदिर की गुफा, जो काफी वर्षों पुरानी गुफा है। यहाँ पर आपको लेके चलते हैं गुफा में। हाँ जी गुरु जी, ये यहाँ पे गुफा है, बहुत बड़ी गुफा है। पीछे तक ये सब बंद हो गई है। अच्छा, बंद हो चुकी है गुफा। हाँ, ये बंद कर रखी है। यहाँ से गुफा है, जिस गुफा में आदमबर ऋषि जी बैठ कर तपस्या करते थे। हाँ जी, हाँ जी। और ये तीर्थ पहले कच्चा था, ये बाद में पक्का कर दिया ग्राम पंचायत ने। ठीक है जी। तो ये बहुत बड़ा तीर्थ था पहले। हाँ जी, इसी में स्नान करते थे, आज भी लोग स्नान करते हैं। ये इसका थोड़ा निर्माण कार्य चल रहा है अभी। हाँ जी, हाँ जी। तो आप देख सकते हो दोस्तों, ये है गुफा वो, और ये है काफी वर्षों पुराना पेड़ जो गुफा के अंदर से निकला हुआ है। कदम का पेड़ है। कदम का पेड़ है ये। हाँ जी, जिस पर कृष्ण जी रासलीला करते थे। कृष्ण जी रासलीला करते थे इस पेड़ के नीचे, मतलब ये वृक्ष कदम के पेड़ पे ही वहाँ मथुरा में भी। हाँ जी, इनका बहुत बड़ा पार है। तो अभी ये गुफा परमानेंट बंद कर दी है। हाँ, ये परमानेंट बंद है। कितना वर्ष हो गया इसको बंद किए? काफी साल हो गए। ठीक है दोस्तों, आपको फिर लेके चलते हैं आगे कोई और धार्मिक स्थान पे, जो एक प्राचीन मंदिर है, आपको फिर दिखाएंगे आगे। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।